गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक आवर क्लास। आज मैं आपको जो कराने जा रही हूँ बच्चों, वो है हमारी कंप्यूटर पजल। व्हाट इज दिस? इट्स अ योर कंप्यूटर पजल। टुडे वी विल डू दिस वर्कशीट। ओके, आज हम ये वर्कशीट करेंगे। मैं आपको पहले समझा देती हूँ, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर खुद लिखेंगे। और बच्चे पूरा आप लोग ये चीज़ें अपनी लाइनों वाली साइड लिखेंगे क्लू बॉक्स लगा के, और ये कंप्यूटर की नोटबुक में जहाँ पे आपका प्लेन पेज है ना एकदम, तो उस पेज पे ये आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको जिस तरीके से करना है मैंने आपको बताया। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस? रीड द क्लूज। देखिए क्या करना है हमें, रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। हमें क्या करना है, ये क्रॉसवर्ड दिया गया है ऐसे और ऐसे, ठीक है, इन्हें कंप्लीट करना है। द टर्म यूज आर रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये टर्म्स जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, और क्या है उसी की टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। चलिए लेट्स स्टार्ट। आप देखें यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, ये रहा 6, ये 5, तो 7, 8, टोटल हमारे कितने हैं यहाँ पे, 8 हैं। तो हम पूरे 8 की 8 ही रीड करते हैं। फर्स्ट, अ फाइल दैट यू क्रिएट एंड एडिट इन एमएस वर्ड। ऐसी फाइल जिसको एमएस वर्ड में आप एडिट करते हो वो क्या होती है? देखिए 1 का ये क्लू बॉक्स है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENT, ठीक है, डॉक्यूमेंट। क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट। अब देखिए 1 तो ये हो गया, अब यहाँ पे 4 नंबर है, तो हम 4 नंबर पढ़ेंगे या सेकेंड, ये आप लोग कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से करती हूँ। अ पीस ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन मेड अप ऑफ 8 बिट्स, कि कंप्यूटर की कुछ पीसीज होते हैं इंफॉर्मेशन के, वो 8 बिट्स से बने होते हैं। तो देखिए 4 कहाँ है हमारा, ये तो क्या आएगा, बाइट्स, BYTE, बाइट, ठीक है। 6, शॉर्ट फॉर्म ऑफ गीगाबाइट्स। गीगाबाइट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी ये बताना है आपको। तो देखिए गीगाबाइट्स की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, GB। यहाँ पे सिर्फ बी लिखना होगा आपको ये 6 में। अब आते हैं हम सेकेंड क्लू बॉक्स पे, जहाँ पे सेकेंड से, अ स्पिनिंग प्लेटर मेड ऑफ मैग्नेटिक और ऑप्टिकली अटैच मटेरियल ऑन विच डाटा कैन बी स्टोर। एक कैसा मैग्नेटिक स्पिनिंग प्लेटर, यानी कि गोल घूमने वाली होती है और मैग्नेटिक होती है, जब उसको लगाते हो तो वो क्या करती है, आपका डाटा स्टोर करती है। तो वो क्या है, डिस्क, DISC, ठीक है, डिस्क, के नहीं सी, तो ये आप इसमें फिल करेंगे। ओके बच्चों, 3rd, स्पेस वेयर द कंप्यूटर डज इट प्रोसेसिंग। द मोर ऑफ दिस स्पेस यू हैव द मोर प्रोसेस यू कैन रन एट सेम टाइम। तो 3rd में देखिए ये बोल रहा है कि कंप्यूटर में जितना ज़्यादा स्पेस होता है उतना ही आप अच्छे से प्रोसेस कर सकते हो सेम टाइम में। तो क्या होगा, रैम, क्या होगी, रैम, इसमें आपको रैम लिखना है। 5, टू मेक चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग डाटा। तो 5 में क्या लिखना है, कोई डाटा को अगर चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिंग, क्या बोलते हैं, एडिटिंग, EDITING, एडिटिंग इसमें, ठीक है 5 में। 7, अ प्रोग्रामिंग एरर दैट कॉज अ प्रोग्राम टू बिहेव इन अनएक्सपेक्टेड वे। जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो उसमें कोई कॉज यानी कि कारण होता है और वो वैसा काम नहीं कर रहा जैसे हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे बग, 7 ये है बग, क्या लिखेंगे, BUG, बग। 8, 1 billion ऑफ अ सेकेंड इज कॉल्ड अ डैश सेकेंड। तो कितने सेकेंड्स बोलेंगे हम उनको, वो होते हैं नैनो, क्या बोलते हैं, नैनो, जैसे आपकी सिम में भी रहा है, अब आपकी होगी ना सिम, नैनो सिम है और माइक्रो सिम है, तो ऐसे NANO, नैनो। तो बच्चों ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।